हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं कि कैसे हम सर्च बॉक्स बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। और बहुत ही आसान तरीका है बनाने का, स्टेप बाय स्टेप सिर्फ फॉलो करते रहिए और एट द एंड ऑफ द वीडियो आप टिल द एंड ऑफ द वीडियो आप ये सीख जाएंगे कि कैसे सर्च बॉक्स बनाना है। तो चलिए क्रिएट पे चलते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास लिस्ट है, कस्टमर आईडी है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम है और इसी के बेस पे हम इसको सर्च करेंगे। तो आप चाहे फर्स्ट नेम के बेस पे सर्च कीजिए, चाहे लास्ट नेम के बेस पे सर्च कीजिए। क्रिएट पे चलते हैं और यहाँ से हम ब्लैंक फॉर्म ले लेते हैं। तो ये ब्लैंक फॉर्म ले लिया हमने, अब हमें चलना है फॉर्म डिजाइन में, डिजाइन व्यू में चलना है। यहाँ से डिजाइन पे आ गए, अब हमको यहाँ पे फॉर्म को डिजाइन करना है। कैसे डिजाइन करेंगे, सबसे पहले हमें टेक्स्ट बॉक्स ले लेना है। तो ये टेक्स्ट बॉक्स हमने क्रिएट कराया और यहाँ पे सर्च इसे नाम दे देता हूँ, एस ई ए आर सी एच सर्च लिख दिया हमने। और यहाँ पे अनबाउंड टेक्स्ट बॉक्स है, आप इसको देख सकते हैं। इसके प्रॉपर्टी शीट पे हम चलते हैं और ये टेक्स्ट जीरो लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां मैं दे देता हूं सर्च इसे नाम दे देता हूं सर्च बॉक्स। तो ये लिखा सर्च बॉक्स, ओके। अब हमको क्या करना है, अब हमको लिस्ट बॉक्स बनाना है। तो लिस्ट बॉक्स कैसे बनेगा आइए जान लेते हैं। और लिस्ट बॉक्स बनाने से भी पहले हमें क्वेरी बनानी है ताकि हम अगर सर्च करें तो वही वही नाम आए, जिस नाम के लेटर से हम सर्च कर रहे हैं वही वही नाम नीचे हमें शो हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे हम सबसे पहले सेव कर लेते हैं। तो सर्च एफ नाम से इसे मैं सेव कर रहा हूँ, सर्च एफ, ये हमने इसको सेव कर लिया सर्च एफ नाम से। और इसके बाद हमें क्या करना है, क्वेरी बनानी है। तो क्रिएट पे चलेंगे और क्वेरी डिजाइन पे आ जाएंगे। ये आ गए हम क्वेरी डिजाइन पे। तो ये हमारे पास एक ही टेबल है जिसका नाम है सर्च कस्टमर, इसको ले लिया हमने और यहां से डबल क्लिक करके और इन सारी फील्ड्स को यहां पे लेके आ जाएंगे। अब यहां हमें लास्ट नेम के बेस पे बनाना है, ठीक है। लास्ट नेम के बेस पे हमें ये डिसाइड करना है कि लास्ट नेम अगर हम डालें तो वही वही लास्ट नेम आए जिस लेटर से हम सर्च करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम एक कीवर्ड यूज करेंगे लाइक, लाइक लिखा हमने यहाँ पे और डबल इंटेड कोर्ट्स में क्या देंगे, अप्लाई का जो शाइन होता है ना वो लगाना है। लगा दिया, फिर डबल इंटेड कोर्ट्स को क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे एंड का साइन लगाना है, एंड जो कीबोर्ड में एंड वाला साइन है ना, ऐसा वाला एंड साइन, इसको लगाना है। इसको लगाने के बाद आपको क्या करना है, फॉर्म्स, ठीक है, चूंकि हम इसी फॉर्म से सर्च करेंगे तो यहाँ आपको लिख देना है फॉर्म्स, एफ ओ आर एम एस, ठीक है। और लगाना है यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दीजिए। और इसके बाद हम हमारा जो फॉर्म है उसका नाम है सर्च, एस ई ए आर सी एच, सर्च एफ नाम है। तो ये सर्च एफ लिख दिया हमने और सर्च एफ लिखने के बाद यहाँ पे लगा दिया हमने एक्सक्लेमेशन मार्क। और फिर यहाँ पर हम सर्च कहाँ से करेंगे, एक यहाँ पे सर्च बॉक्स जो हमने नाम दिया था वो हम दे देते हैं यहाँ पे। तो ये हमने दे दिया, इसके बाद आपको यहाँ पे लगाना है एंड और फिर यहाँ पर डबल इंटेड कोट्स और यहाँ पर लगाना है आपको इनटू का साइन। तो ये हमको इस तरह से कर देना है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको इसको सेव करना है। तो सेव करने के लिए कंट्रोल एस प्रेस कीजिए और इसको मैं सेव करता हूँ सर्च क्यू के नाम से, सर्च क्यू सेव कर दिया। अब क्या करना है, फॉर्म पे आ जाते हैं, ये हमारा फॉर्म है, ठीक है, इसको हम क्लोज कर देंगे और यहां से हम आ जाएंगे फॉर्म पे। ये आ गए फॉर्म पे और डिजाइन व्यू पे आ जाएंगे और यहां पर हमें लिस्ट बॉक्स बनानी है। तो ये हमारा है लिस्ट बॉक्स, इस पर क्लिक कीजिए आप और इसको यहां से ड्रैग करवा लीजिए। ये ड्रैग करवा लिया हमने, अब यहां से इसको यस करिए। और चूंकि हमने क्वेरी बनाई हुई है तो क्वेरी ही हमें लेना है, तो ये क्वेरी हमने ले ली और यहां से इन सब फील्ड्स को ले लीजिए। और यहाँ पर किसके बेस पे सर्च करेंगे, तो लास्ट नेम देन फर्स्ट नेम, ये हमने दे दिया, ठीक है। और यहाँ से इसको हम हाइड कर देंगे, इसको कस्टमर आईडी को। तो ये दो फील्ड्स हमें दिखाई पड़ेंगी और यहाँ से ओके प्रेस किया, ओके प्रेस किया और यहाँ से इसको फिनिश कर दिया। और ये फर्स्ट नेम जो लिखा हुआ इसको डिलीट कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं। तो यहाँ तक हमें कर लेना है, यहाँ तक बात समझ में आई होगी। लिस्ट टू के नाम से है, हम इसको सर्च लिस्ट के नाम से कर देते हैं, एस सी ए आर सी एच सर्च लिस्ट, ओके। तो ये सर्च लिस्ट लिख दिया हमने और
ये अब हमने क्या करना है, यहां से क्लिक करना है, तो ये आ गया हम फॉर्म व्यू पे, ठीक है। अब यहां से हम कोई भी कस्टमर का नाम अगर सर्च करते हैं तो क्या ये सर्च करेगा, जैसे लास्ट नेम के बेस पे हमें सर्च करना है, तो यहां पे मैं लिखता हूं VE, तो जैसे VE लिखता हूं तो यहां पे देखिए ये पहला वाला सर्च तो हो रहा है, देखिए काम करता है या नहीं। तो यहां पे VE जैसे ही लिखते हैं हम, देखिए VERMA, तो ये सर्च कर लेता है, लेकिन अगर इस नाम को मैं चेंज करता हूं तब देखते हैं सर्च करता है या नहीं। फिर यहां पे लिखता हूं मैं YADAV, तो अभी भी ये वर्मा ही सर्च कर रहा है, यहाँ पे यादव वाला जो लास्ट नेम है वो सर्च होके नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक VBA कोड लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे VBA कोड, आइए जान लेते हैं, तो समझ लेते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं इस वाले फील्ड जो ये हमने बनाया है, बॉक्स बनाया है, उसका नाम रखा है हमने सर्च लिस्ट, और इसका क्या नाम रखा है, इसका नाम रखा है सर्च बॉक्स। तो हमें सर्च बॉक्स पे जाना है, ठीक है। सर्च बॉक्स पे जाने के बाद क्या करना है आपको, इवेंट पे जाना है, और यहाँ पर आफ्टर अपडेट आ रहा है, यहाँ पर तीन डॉट्स बनी हुई है, इस पे आप क्लिक कर दीजिए, और यहाँ कोड बिल्डर पे क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। यहाँ पर खुल जाएगा विजुअल बेसिक का ये जो फॉर्मेट है ये खुल जाएगा, और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ कोड टाइप करना है आपको। वो कोड क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कैसे आप इसको सर्च करेंगे, कैसे ये एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे टाइप करता हूँ SERCH सर्च लिस्ट डॉट रिक्वेरी, आर प्रेस करता हूँ तो यहाँ नीचे रिक्वेरी आ जाएगा, आप इसको इंसर्ट करवा लीजिए टैप करके। और अब आपको इसको सेव कर देना है, ये सेव कर दिया हमने, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, और अब हम चलते हैं कहाँ पे, यहाँ पे आते हैं। देखिए इसका जो नाम हमने रखा था ना, सर्च लिस्ट ही रखा हुआ है, तो इसी के नाम से हमने इसको लिया है, ये जो हमने कोड लिखा है सर्च लिस्ट के नाम से, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम यादव प्रेस करते हैं तो ये देखिए यादव वाली जो नाम है वही केवल आ रहे हैं। अच्छा चलिए, अगर इसको मान लीजिए हम इसको यहाँ से सेव तो कर ही चुके हैं, इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं, इसको दोबारा से ओपन करता हूँ मैं, ठीक है। मान लीजिए आपने ओपन किया, अब यहाँ पर तो दो ही चार नाम लिखे हुए हैं, लेकिन मान लीजिए दो चार से अधिक नाम लिखे हों तो उस कंडीशन में आप क्या करूँ। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं आता हूँ तो अब मान लीजिए वर्मा वाले नाम सर्च करने हैं आपको, तो जहाँ जो भी वर्मा वाले नाम है तो यहाँ जैसे VE टाइप कीजिएगा आप, तो सिर्फ वर्मा वाली जो नाम है वही दिखेंगे, लास्ट नेम के हिसाब से हमने किया था इसे, तो VE वाले नाम दिखेंगे, ठीक है। अब फिर मैं इसको क्लोज करता हूँ ये, अब फिर देखिए फिर ओपन कर रहा हूँ, फिर मान लीजिए आपने खोला इसको और यहाँ पर डबल क्लिक करके इसको ओपन करता हूँ, यहाँ से फिर देखना है तो यहाँ से ओपन किया मैंने। अब मान लीजिए कि आपको तिवारी वाला यसिंग वाला लिस्ट खोलना है, तो S टाइप कीजिए, तो ये सिर्फ S सिंह वाले जो लास्ट नेम सिंह है वही केवल लिस्ट दिखाएगा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है। अच्छा अगर इसमें कुछ चीजें आप इंक्लूड करते हो, और जैसे मान लीजिए यहां पर ये है, इसमें कुछ और चीजें इंक्लूड करते हैं, जैसे मान लीजिए यहां लिखा मैंने महेश सिंह, राजू वर्मा, अवनीश तिवारी, ये कुछ नाम हमने इसमें इंक्रीज कर दिए हैं, बढ़ा दिए हैं, ठीक है। अब इसको सेव कर दिया हमने, सेव कर दिया, सेव करने के बाद इसको क्लोज कर देता हूं। क्या ये रिक्वेरी करेगा अगर हम वापस इसको सर्च करें, तो ये सबको सर्च करेगा या नहीं, ये कंफ्यूजन मन में रहती है, तो इसको भी मैं दिखा देता हूं आपको करके। ये देखिए यहां पर आ गए हम, अब इसको ओपन करता हूं। अब मान लीजिए इसमें देख सकते हैं जो हमने नाम इसमें इंक्लूड किए थे, अवनीश तिवारी, ठीक है, और राजू वर्मा है, इसको सही कर लेते हैं यहां से, ये आर छूट गया इसमें, VER, इसको सही कर लेते हैं, सेव कर लिया। अब इसको क्लोज करके दोबारा से ओपन कर लेता हूं, तो ये क्या दोबारा से रिक्वेरी करेगा, ये उसी की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे डबल क्लिक किया हमने, हम ये जो नाम हमने इंक्रीज किया ना, यहाँ पे जैसे ही सर्च बॉक्स खोलेंगे तो यहाँ पे देखिए अवनीश तिवारी वाला नाम दिख रहा है, और हमने क्या इंक्रीज किया था, हमने महेश सिंह इंक्रीज किया था, वो भी दिख रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये नाम हमें, और राजू वर्मा भी किया था, वो भी दिख रहा है। अच्छा अब सर्च करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे ही वी प्रेस करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये वर्मा वाले सिर्फ लिस्ट हमें शो होंगे, देख सकते हैं आप, बाकी सारा नाम हट जाएगा, वर्मा वाला लिस्ट होगा। अगर टी प्रेस करूंगा तो क्या होगा, देखिए तिवारी वाले लिस्ट आ जाएंगे, यहाँ पे देखिए
टी प्रेस किया हमने, एंटर प्रेस किया, तो यहां देखिए तिवारी वाला नाम सिर्फ आ रहा है। ठीक है, ये बहुत जरूरी भी है कि आप ये लिस्ट बनाना सीख लें, ताकि एक बड़े सॉफ्टवेयर की तरफ जैसे ही आप बढ़ेंगे तो इन सब चीजों की आपको जरूरत जरूर लगेगी। आगे चल करके मल्टीपल फील्ड में सर्च करना भी सिखाऊंगा मैं। ठीक है, ये YouTube या Google सिर्फ सिखाने का ही मंच नहीं है, सीखने का भी मंच है, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आप सोचिए कि आपको जनरल कोचिंग सेंटर में आपको मिल जाए, चाहे आप कहीं के भी रहने वाले हो, इवन मैं बात करूं दिल्ली की भी, तो वहां पर भी ये सारी चीजें इतनी आसानी से नहीं सिखाई जाएंगी आपको, आपसे बहुत मोटी रकम वसूली, पैसा लिया जाएगा भाई, जो सिखाएगा वो पैसा तो लेगा ही लेगा। अच्छा है कि आप खुद से सीखने की कोशिश करें, तो खुद से जब सीखेंगे तो ये सारी चीजें डेवलप होंगी, मैं भी हेल्प करूंगा। ठीक है, तो ये इस तरह से बनाई जा सकती हैं। तो अभी मान लीजिए मैं कुछ और सर्च करता हूं, इसको एक बार सेव किया हमने, देखिए ये आ गया। अब मान लीजिए यहां पर हमको सर्च करना है यादव वाली लिस्ट, तो वाई प्रेस किया हमने, एंटर प्रेस किया, तो ये देखिए केवल यादव वाली लिस्ट सर्च हो रही है। अच्छा, यहां पर मान लीजिए मैं कुछ और नाम बढ़ा रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैंने कर दिया रितेश यादव, दुर्गेश, राजू, जायसवाल, नंदलाल, जायसवाल, यहां पे जायसवाल, ये कुछ नाम हमने इंक्रीज कर दिए इसमें। अब यहां से इसको सेव कर लेता हूं, सेव कर लिया, अब इसको क्लोज कर देता हूं, फिर ओपन कर लेता हूं। यहां से ओपन किया हमने, अब ये ओपन करने के बाद यहां पर जाएंगे हम, डबल क्लिक करेंगे, ये फॉर्म है, अब हम डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। अब ये सारे नाम अपडेट हो चुके हैं। ठीक है, यहां पे देखिए जेड गलती से आ गया है, इसको हम यहां पर जाकर सही कर लेंगे, यहां पे ये जेड आ गया है गलती से, कोई बात नहीं, अब इसको सेव कर लेता हूं, देन वापस इसको ओपन करता हूं यहां से, और ये हमारा डेटाबेस है, यहां पर डबल क्लिक किया, और अब हमारे पास ये लिस्ट जो है, अगर इसको हम ओपन करते हैं ये फॉर्म अपना, तो ये लिस्ट हमारी पूरी अपडेट हो चुकी है। अब अगर मान लीजिए आपको वाई वाले नाम देखने हैं, तो वाई जैसे ही प्रेस करेंगे तो सिर्फ यादव वाले नाम ही आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, चलिए अगर बात करें टी वाले नाम की, तो यहां पर टी प्रेस करेंगे तो टी वाले ही नाम दिखाई देंगे आपको, तिवारी वाले नाम दिखाई देंगे। ठीक है, अगर बात करें वी प्रेस करने की, तो यहां पे वी प्रेस करता हूं तो यहां पे वर्मा वाले नाम ही दिखाई देंगे। ठीक है, और देखिए इसमें यहां पर देख सकते हैं वी जो है वर्मा, अब इसमें वी भी आया हुआ है, यादव में भी लास्ट में वी आया हुआ है, तो ये वी वाले जो कीवर्ड है उसको सर्च कर रहा है, तो बहुत ही आसानी के साथ ये कर सकते हैं। थोड़ी मेहनत तो लगेगी, थोड़ा आपको परिश्रम करना पड़ेगा इसको सीखने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है तो मैं आपकी हेल्प करूंगा जहां तक संभव हो सके। अब देखिए मान लीजिए जे प्रेस करता हूं जायसवाल के लिए, सिर्फ जे प्रेस किया मैंने तो जायसवाल वाले सारे नाम हाईलाइट हो गए। अगर क्या होगा अगर मैं एल प्रेस करूं, यहां पे एल प्रेस किया हमने, तो चूंकि जायसवाल के लास्ट में एल आया हुआ है तो ये जायसवाल वाला ही दिखाई देगा। आई प्रेस करता हूं तो क्या होगा, तिवारी में आई आया हुआ है, तो यहां पे देखिए जिसमें आई आया हुआ है वो सारे नाम इसमें आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, बहुत ही कमाल का सर्च बॉक्स है। उम्मीद करता हूं ये सर्च बॉक्स बनाना आपको आ गया होगा, अगर नहीं आए तो प्रैक्टिस करते रहें, देखते रहें वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।